स्वतंत्रता दिवस समारोह में पांचवी पंक्ति में बैठे नजर आए राहुल। राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर कांग्रेस ने मचाया बवाल। नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद पीछे की पंक्ति में क्यों बैठे थे राहुल गांधी, रक्षा मंत्रालय ने बताई वजह। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान दर्शक दीर्घा में सफेद कुर्ता पैजामा पहने बैठे राहुल गांधी की तस्वीर चर्चा में है। ये चर्चा विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर हो रही है। अब स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के इरादे से उन्हें पांचवी पंक्ति में बैठाया गया। सवाल उठा तो रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया और वजह भी बताई कि आखिर क्यों उन्हें इतने पीछे बैठा गया। लेकिन रक्षा मंत्रालय के जवाब से राहुल के समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल के साथ जो व्यवहार रक्षा मंत्रालय ने किया उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे ये कैसा तर्क है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया, हम हमेशा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं लेकिन इस बार भारतीय ओलंपिक टीम को सम्मान देने के लिए उन्हें समारोह में आगे बिठाया गया। ठीक है, अगर ऐसा ही था तो फिर क्या राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जयशंकर और जेपी नड्डा ओलंपियंस का सम्मान नहीं करना जानते? उन्हें क्यों आगे बिठाया गया? कैबिनेट मंत्रियों को भी ओलंपियनों के सम्मान देने के लिए उनके पीछे ही बैठना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पांचवी पंक्ति में सीट दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी पांचवी पंक्ति में ही सीट रिजर्व थी लेकिन वो नहीं गए। राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा, नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवीं रो में बैठे या पचासवीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही पांचवी रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो पांचवी रो में ही थी। रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर हैं। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद हैं। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर सोनिया गांधी को हमेशा इस तरह के आयोजनों में सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया जाता था। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजनों और इस तरह के आयोजनों में बैठने की व्यवस्था का काम रक्षा मंत्रालय का होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे। हालांकि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2014 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था।